कानपुर में बदमाशों ने कमिश्नरेट पुलिस को एक बार फिर चुनौती दी है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के ब्लॉक बसंती मार्केट में ज्वेलर्स पिता पुत्र को कार सवार बदमाशों ने बीच बाजार गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश ज्वेलर्स पिता पुत्र को गोली मारकर लूट कर फरार हो गए। पिता के कंधे पर पुत्र के सीने में गोली लगने से हड़कंप मच गया। पिता पुत्र को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंजाम दिया गया, किस तरीके से अंजाम दिया गया? दो लोग आए थे और यहाँ फायर करते हुए आए, वो बस उनका बैग छीन करके भागे हैं। उनके लड़के के सीने में गोली लगी और उनके मालिक के हाथ में गोली लगी। कितने लोग थे भाई? लोग कहाँ से थे? बाइक से नहीं आए थे, बोलेरो से आए। कितने की लूट हुई आपके? लूट नहीं है, कन्फर्म है। वो है कि उनका बैग छीन के मारो। बैग में क्या क्या था अब ये नहीं मालूम। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण समेत सर्किल फोर्स मौके पर पहुंचा और लोगों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी कुछ देर पहले एक घटना हुई है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि एक सफेद रंग की बोलेरो से कुछ हमलावर आए और उन्होंने अज्ञात आराम से फायरिंग की और यहाँ के दो लोगों को गोली लगी है। सुरेश है और यशु जी है, इनकी दुकान है, प्रतिष्ठान है गायत्री ज्वेलर। दोनों घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है, इमरजेंसी हॉस्पिटल में, और इनका इलाज शुरू कर दिया गया है। दोनों ही लोग खुश हो गए। अभी और डिटेल हमको मिली है इनके सेहत के बारे में, किंतु बेस्ट इलाज शुरू कर दिया है। बाकी जो जानकारी हम लोग को मिल रही है, अभी तुरंत आस पास के CCTV और स्टेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार चेकिंग करा रहे हैं। चेष्टा ये है कि जल्दी से जल्दी हम दो साथियों को पकड़ें। सर, क्या कोई पुरानी रंजिश वगैरह निकल कर सामने आ रही? अब अभी तो घटनास्थल पे हम लोग पहुंचे हैं और जो बात अभी देख रही है और गहराई में जाते हैं। जो अभी तक की कार्रवाई है, जितनी तेजी से हम कार्रवाई करेंगे पकड़ने में हमें सफलता मिलेगी।